सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई बनाएगी, इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया। जमान पार्क में पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनों से मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है, इस मकसद को पहचाने और हासिल करें। इमरान खान ने कहा कि मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, जिनके हाथ में बागडोर दी गई है वो मईशत नहीं संभाल सकते। मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। याद रहे कि 5 दिसंबर को इमरान खान ने पंजाब में सियासी मुहाज खोलने के बाद सिंध का रुख करने का फैसला किया था। जराए के मुताबिक इमरान खान जनवरी में सिंध का दौरा करने और भरपूर अवामी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और इस बात का फैसला पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली से मुलाकात के बाद किया गया था। इमरान खान से मुलाकात में अरकान सिंध असेंबली ने ईवान से मुस्ताफी होने का कहा, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मेंबरान अभी इंतजार करें, पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली का फैसला करेंगे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।